हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेलिंगटन न्यूजीलैंड। तो आज मैं जा रहा हूँ तोरंगा, और ये वो शहर है जहाँ पे न्यूजीलैंड और इंडिया का दूसरा T20 मैच होना है। ये पीछे मेरी कोच खड़ी हुई है। तो ये 9-10 घंटे का सफ़र होगा, काफ़ी टायरिंग होगा। बहरहाल जी, चलते हैं और चल के न्यूजीलैंड की खूबसूरती को देखते हैं। तो जी, वेलिंगटन में मेरा स्टे 2 दिन का था, वो 2 दिन मुकम्मल हुए। उम्मीद है कि काफ़ी सीनिक हमारा सफ़र होगा, तो आई एम रेडी टू गो। रवाना होने से पहले आपको अपना नाश्ता दिखा दूं। ये नाश्ता मैंने कुछ देर पहले बनाया था। ये रेडीमेड आलू वाले पराठे हैं जो कि मैंने इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीदे थे, और साथ में है चाय। तो ये मेरा बहुत अच्छा मज़े का नाश्ता हो गया। मैं कोच में बैठ चुका हूं, और ये आप देख सकते हैं, ये गोल्ड कैटेगरी की सीट्स हैं जो कि काफ़ी कुशादा हैं और बहुत आरामदेह हैं। और ये आपका दोस्त काफ़ी एक्साइटेड, ये साथ पीछे ड्राइवर खड़ा है और वो सवारियां चेक कर रहा है। मैंने टिकट नॉर्मल सीट की ली थी, लेकिन ड्राइवर ने मुझे अलाउ कर दिया कि तुम गोल्ड वाली सीट पे बैठ जाओ। गोल्ड वाली सीट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, मैं एक्सपेंसिव सीट ले लेता, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन वेबसाइट पे नहीं आ रहा था। चलें जी, सफ़र शुरू हो गया है। वेलिंगटन शहर को हम गुड बाय कहते हैं और आगे तोरंगा की तरफ चलते हैं। लगता है कि हम थोड़ी सी ऊंचाई पे आ गए हैं, तो साथ ही बारिश शुरू हो गई है। इस बस कंपनी का नाम इंटरसिटी है, और वेलिंगटन से तोरंगा तक का टिकट मुझे 80 न्यूजीलैंड डॉलर्स का मिला है, जो कि अमेरिकन यूएस डॉलर्स में 48 बनते हैं, 48 अमेरिकी डॉलर। तो ये निस्बतन एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जो हम यूके में ट्रैवल करते हैं। वो वहाँ पे जो मेगा बस कंपनी वगैरह है वो काफ़ी सस्ती हैं। वाह क्या बात है, झीलें, समंदर, पहाड़, उन पे सब्ज़ा, सफाई, पहाड़ों पे उतरते हुए बादल, सो ब्यूटीफुल। ये तकरीबन 550 किलोमीटर फासला है। तो ये देखें जी, ये हमारा रूट होगा। तो ठीक है, सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो 48 यूएस डॉलर्स की ये टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि यूके में या यूएसए में मेगा बस या नेशनल एक्सप्रेस नाम की कंपनीज हैं, उनकी टिकट $10, $15, बहुत हुआ तो $20 तक की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। तो ये $48 क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन यार, सीन चेक करें, पहाड़ों पे बादल उतर रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि लैंडस्केप बदल गया है, ये मैदानी इलाका शुरू हो रहा है।
ये एक टाउन आया है, यहाँ पे हमने स्टॉप किया है तो हम टॉयलेट वगैरह यूज़ कर लेते हैं और ड्राइवर यहाँ से मज़ीद सवारियाँ भी उठा लेगा। ये हमारी कोच खड़ी हुई है। सफ़र दोबारा शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि बारिश रुक चुकी है और लगता है कि इस जगह पे तो बारिश हुई ही नहीं थी। मैं अपने सफ़र को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। न्यूज़ीलैंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। न्यूज़ीलैंड की आबादी तकरीबन 52 लाख है। इनमें तकरीबन 72% 72% यूरोपियंस हैं, 16.5% मौरी हैं और 15% एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे ये जो फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाइनीज़, थाई, फिलिपिनो, ये लोग हैं। और अगर मैं रिलीजन की बात करूं, धर्म मज़हब की बात करूं, तो तकरीबन 49% 49% लोगों का कोई धर्म या रिलीजन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। 37% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, 2.7% हिंदुइज़्म को और 1.3% मुस्लिम्स हैं, 1.1% बुद्धिस्ट हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया भर में टूरिज़्म से आमदनी के लिहाज से न्यूज़ीलैंड 30वें नंबर पे है और सालाना तकरीबन 10 अरब डॉलर न्यूज़ीलैंड टूरिज़्म से कमाता है, जो कि इसकी जीडीपी का 5% है। यूनाइटेड किंगडम के बादशाह चार्ल्स 3 हैं, वही ऑस्ट्रेलिया के भी बादशाह हैं और वही न्यूज़ीलैंड के भी बादशाह हैं। ये बात और है कि ये सिर्फ सेरेमोनियल पोस्ट है और इसका जो यहाँ पे अमली तौर पे हुकूमत चलती है उससे कोई लेना देना नहीं है। अमली तौर पे हुकूमत पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म और उसकी काबीना वो चलाते हैं। हमारा सफ़र जारी है, अभी आगे एक स्टॉप आने वाला है जहाँ पे लंच ब्रेक होगा, वहाँ पे एक कैफ़े है और वहाँ पे हम लंच करेंगे। ये कोच का स्टॉप है, ठीक है जी, कैफ़े में चलते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे खाने में क्या है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बर्गर्स मिल रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं चिकन बर्गर ऑर्डर करूँ साथ में फ्राइज। मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और उसको आने में 5 मिनट लगेंगे, तो तब तक हम ज़रा बाहर का नज़ारा कर लें। वाह जी वाह, क्या बात है। काफ़ी खुली डुली जगह है, काफ़ी कुशादा
कैफ़े है। तो ठीक है जी, मैं जाके अपनी जगह पे बैठता हूँ क्योंकि मेरा लंच आने वाला है। तो दोस्तों, ये मेरा खाना है और ये है जनाब चिकन बर्गर, फ्राइज एंड सैलड, और साथ में है सॉफ्ट ड्रिंक। तो चलें इसको एंजॉय करते हैं हम। फ्राइज अच्छे हैं। सब खत्म कर दिया, कोशिश करें कि खाना वेस्ट ना हो। तो जी ठीक है, 5 मिनट रह गए हैं, हमारा ब्रेक ख़त्म होने वाला है। ये लोग रास्ते में ब्रेक्स ले लेके चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी तरह हम ब्रेक वगैरह लेके चलते हैं, हर घंटे 2 घंटे बाद गाड़ी रोकते हैं, घंटे बाद तो नहीं 2 घंटे बाद गाड़ी रोकते हैं, और टॉयलेट वगैरह जाना हो, खाना वगैरह खाना हो। तो मुझे यहाँ का खाना पसंद आया। ये हमारी कोच का ड्राइवर है, और मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में जब कोच ड्राइवर्स ऐसे किसी रोड साइड ढाबे या होटल पे गाड़ी रोकते हैं तो वहाँ पे उनका खाना फ्री होता है। तो मैंने इस ड्राइवर से भी पूछा कि क्या तुम्हें कैफ़े वाले फ्री खाना देते हैं, तो वो कहता हाँ हमें फ्री खाना मिलता है। तो यानी कि पाकिस्तान हो या न्यूज़ीलैंड हो, वहाँ पर कोच ड्राइवर्स को फ्री खाना मिलता है। अब जी यहाँ पर शायद आगे एक्सीडेंट हुआ था और हमें आवाज़ आ रही थी हेलीकॉप्टर्स की भी, तो यहाँ पे 5-10 मिनट हम लोग रुके थे और उसके बाद हम आगे रवाना हुए थे। दोस्तों, आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी तो याद होगी, इसके 3 पार्ट्स थे और कहा जाता है कि तीनों के तीनों पार्ट्स की शूटिंग न्यूज़ीलैंड में हुई थी। इसके अलावा न्यूज़ीलैंड पूरी दुनिया में बीफ, गाय के गोश्त का एक बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा अगर भेड़ के गोश्त की बात की जाए तो न्यूज़ीलैंड दुनिया में दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है। 2021 में न्यूज़ीलैंड ने 31 मिलियन किलोग्राम भेड़ का गोश्त एक्सपोर्ट किया। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही यादगार है और मैंने न्यूज़ीलैंड के एक बड़े हिस्से को इस वीडियो में आज कवर किया है, तो मैंने इसको काफ़ी इन्जॉय किया है आज के दिन को। तो पिछली रात मैंने अच्छे से नींद ली थी, इसलिए मुझे इतनी थकन भी नहीं हुई। ड्राइवर ने मुझे गोल्ड वाली अच्छी खुली सीट भी अलाउ कर दी। इन सब वजूहात की बिना पे मैंने आज के सफ़र को एंजॉय किया। तकरीबन 75% to 80% ये लंबा सफ़र मुकम्मल हो चुका है और जल्द हम तारुंगा पहुंच जाएंगे। ये सामने हमारी बस खड़ी है और उसमें सवारियां बैठ रही हैं।
पहले मैं आपको भेड़ों के बारे में बता रहा था, शीप्स, भेड़ें। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि न्यूजीलैंड में हर एक रेजिडेंट, हर एक रहायशी के ऊपर 5 भेड़े हैं, यानी कि आबादी का जो रेशो है वो एक रहायशी और दूसरी तरफ 5 भेड़े हैं। हर एक बंदे के लिए 5 भेड़े हैं यहाँ पे। बाकी मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि हर आधे पौने घंटे बाद आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप चेंज हो जाता है और मौसम भी तब्दील हो जाता है। न्यूजीलैंड की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, मॉरी और साइन लैंग्वेज। मैंने इस वीडियो के बैकग्राउंड में न्यूजीलैंड का नेशनल एंथम लगाया है और आप सुन सकते हैं कि उसके शुरू के लिरिक्स मॉरी लैंग्वेज में हैं। तोरंगा पहुंचने से पहले ये हमारा आखिरी स्टॉप है। नज़ारे, सीनरी इंजॉय करने वाली है बस। आप ये 1.5-2 मिनट की सीनरी इंजॉय करें और मैं आपको तोरंगा में मिलता हूँ। तो जी, हम तोरंगा पहुंच चुके हैं और अभी मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे कोई इंडियन पाकिस्तानी स्टोर देखूं, वहाँ से कुछ देसी फ्रोज़न फूड ले लूं और उसके बाद बस लेके फिर मैं आगे जो एयरबीएनबी बुक किया है वहाँ पे चला जाऊं। थकन तो काफ़ी हो गई है, तकरीबन कितना 11 घंटे का सफ़र था, लेकिन सीट आरामदेह थी तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। तो ठीक है जी, मैं यहाँ पे बस स्टॉप पे मौजूद हूँ और मैं बस का वेट कर रहा हूँ और मुझे टेंशन ये लगी हुई थी कि ये कॉइन्स ना मांग ले बस वाले। तो मैंने पहले लोगों से पता किया, वो कहते कि जी एप्पल पे से आप पे कर सकते हैं, लेकिन बाद में मैंने एक बस ड्राइवर से पूछा, यहाँ पे बस खड़ी हुई थी पीछे, ये जैसे येलो कलर की खड़ी है ऐसे ही एक और बस थी, वो कहता नहीं कॉइन्स आपको पे करने पड़ेंगे या फिर आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उससे मैंने चेंज ले लिया $10 का। तो अब $10 से मैं फेयर पे करके
आगे चला जाऊंगा। $10 तो फेयर नहीं लगेगा, उम्मीद है कि उससे कम लगेगा। तो वो जो टैक्सी वो बस ड्राइवर थे, वो बस ड्राइवर भी पंजाबी नौजवान लड़का था, तो फिर मैं उससे उर्दू में शुरू हो गया। मैंने उसे बताया मैच देखने आया हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत गपशप लगी और उसके बाद मैं यहाँ पर बस स्टॉप पर आ गया। तो अब थोड़ी देर में बस कैजुअल्ड है, तो बस उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। भाई ये इंडियन स्टोर यहाँ पे है लेकिन वो बंद निकला है। स्टोर तो बड़ा था, मुझे अच्छा खाना मिल जाता वहाँ से, लेकिन वो बंद है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे वापस आया हूँ क्योंकि इस बस स्टॉप पे एक बस आ रही है जो कि मुझे आगे एयरबीएनबी भी ले जाएगी। तो मैंने कहा खाना तो मिला नहीं है, घर टाइम से पहुँचें, रूम में सामान रखेंगे, बाहर जाएँगे और बाहर से कुछ खा लेंगे। मैं यहाँ पर बस का वेट कर रहा था लेकिन बस नहीं आई। आधे घंटे बाद एक बस आती है और वो नहीं आई, तो अब मैं दूसरी बस का वेट कर रहा हूँ। शुक्र है कि दूसरी बस आ गई है। तो चलें जी, हम चलते हैं अपने एयरबीएनबी। तो जी ये है एयरबीएनबी जहाँ पे मैं रुका हूँ। पहले मैं आपको किचन वगैरह दिखा दूँ। यहाँ पे जो लैंडलेडी है शी वॉज वेरी काइंड, उसने काफ़ी मेरा ख्याल किया कि भाई मैं 12 घंटे बाद आया हूँ ट्रैवल करके, 12 घंटे मैंने बस में गुजारे हैं। यहाँ पे खाना वगैरह बैठ के खा सकते हैं। ये हो गया लाउंज, इंतहाई प्यारा घर है, एक तरह से कहूँ तो ड्रीम हाउस है। तो जनाब ये है मेरा रूम। इस रूम के मैंने 100 न्यूजीलैंड डॉलर्स पे किए हैं पर नाइट के हिसाब से, और दो रातों के बन गए 200 न्यूजीलैंड डॉलर्स, जो कि तकरीबन 120 यूएस डॉलर्स बनते हैं। जिस हिसाब से घर साफ़ सुथरा है और जिस हिसाब से आरामदेह है, उस हिसाब से मुनासिब चार्जेस हैं। ये शावर एरिया और बाथरूम है, और काफ़ी सारे टॉवल्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया है। तो दोस्तों आखिरकार कुछ खज्जल खारी उठाने के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और लैंडलेडी बहुत नाइस है। तो अब मसला है मेरे डिनर का। तो उसने कहा कि भाई आपको मैं ड्राइव करके ले जाती हूँ, सुपरमार्केट पे जाना है या फिर चाइनीज़ खाने के लिए जाना है। तो मैंने पूछा कितनी दूर है, तो वो कहती कि जी 10 मिनट्स। मैं कहा आप मुझे ना सिर्फ एक काम करें, आप मुझे थोड़ी सी ब्रेड यहाँ पर निकाल दें, कुछ अंडे निकाल दें, तो मैं जो है अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ, बजाय ये कि मैं आपको इतनी तकलीफ दूँ। 10 मिनट जाना, 10 मिनट आना, और फिर 10 मिनट कम अज़ कम वहाँ पर स्पेंड भी होंगे जब हम चीज़ें खरीद रहे होंगे। तो वो भी खुश हो गई। तो बहरहाल शी इज़ वेरी नाइस, और मेरे ख्याल से सब सेटअप हो गया। तो आज के वीलॉग का यहाँ पर एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। तो मैं जाके अपना कुछ डिनर का बंदोबस्त करता हूँ, ब्रेड अंडे बना के, चाय का सामान मेरे पास है, कड़क चाय बनाएंगे, रात के वक्त ब्रेकफास्ट करेंगे।